डिसअपॉइंट हो गया क्योंकि का बिहार का वो जोश कहाँ गया, वो रिकॉग्निशन नाइट में जो जोश होना था वो जोश मिसिंग था। क्यों मुझे मालूम, आप सभी ऑब्जर्व किया है? क्या कारण है मुझे मालूम नहीं है। मैंने बताया क्या क्या हो गया बिहार को, डांस नहीं हुआ, कल्चरल नहीं था डांस। से ये बिजनेस तो दो चीज आप दिमाग में रखना, एक तो ये बिजनेस ओनली जोश की बिजनेस, जोश नहीं हो तो बिजनेस नहीं चलेगा। जब तक आपके अंदर जोश नहीं है आप मिलेनियर नहीं बनेंगे। मिलेनियर का आज आपके अंदर है तो कुछ भी हो, फैक्ट्री हो, प्रोडक्ट हो, रिवाइज टेस्टिमोनियल हो, बहुत कुछ हम देखता है। इतना सब कुछ अच्छा है, अभी दिखाया रफीक जी ने सब कुछ, सभी चैलेंजेस हम ओवरकम किया है। बट बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग का सीक्रेट वही है जो करोड़ एम्बेसडर बन गया है और जो मिलेनियर बन गया है, जो लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, जो नहीं कमाता है, एक ही डिफरेंस है जो कमाने वाले के अंदर जोश लग गया है बहुत बस, जो नहीं कमाता है उसके अंदर जोश है पोतला खाली है। तो जब तक आपको आप बदल नहीं सकता है ये इंडस्ट्री में आप नहीं बढ़ सकता। आपका जो है बहुत बड़ा, अभी देखिए हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाते थे, कॉलेज में हमने जब प्रोफेसर बनकर क्लासरूम को जाते थे, आप डांस करके जाएंगे ये तो ये पागल प्रोफेसर है बाहर कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, प्रोफेसर माने सीरियस उड़ो बेंच में करो वही गुस्सा में रहना डांटना ऑलवेज। अभी यहाँ भी ये सिखाने का प्लेटफॉर्म है बट यहाँ सिखाने का तरीका डिफरेंट है, वो नहीं बदले तो नहीं चलेगी इंडस्ट्री मालूम हो गया। इसीलिए प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, भिखारी हो, क्या फुटपाथला हो, बेगर हो, फार्मर हो, फार्मर हो, लेबर हो, सभी आने के एक ही तरह से उसका माइंडसेट चेंज होना है। बिकॉज ये तो जोश का बिजनेस है, सभी आगे वो कोई भी हो, कुछ कुछ भी पोजिशन हो, डांस करना ही नहीं तो मार्केटिंग है। डॉक्टर रंजन ने कभी कभी बोलता था मेरे साथ, हम पर्सनली डिस्कस करने के समय, बहुत बड़ा डॉक्टर है, राष्ट्रपतियों को वो मेडिकल एडवाइजर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, इतना बड़ा डॉक्टर बनकर मैंने कहता था सर आप सीरियस रहे तो ये बिजनेस नहीं चलेंगे, आप बदलना है सीरियस से बिजनेस नहीं। कितना बड़ा डॉक्टर हो यहाँ यहाँ बिजनेस के इसमें जोड़े तो हम बदलना है। इसलिए डॉक्टर रंजन में बताता रहा मुझे, प्रोफेसर कुत्ता का वेश डाले तो भौंकना ही है, नहीं तो कुत्ता का वेश नहीं डाल, कुत्ता का वेश डाले तो वो भौंकना ही है। इसलिए वी हैव द ड्रेस ऑफ ए डॉग, वी हैव टू बार्क, नो अदर। तो इसलिए नाय वेश पोटा कोरेकेनम इन तमिल यूज किया, नाय वेश पेटा पोटा कोरेकेनम, अरे मां लाइक दैट इफ आई वांट टू बी फिट इन टू दैट इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री यू हैव टू चेंज, यू हैव टू मेक दिस चेंज।
एनी इंडस्ट्री प्रोफेशन ट्रेड बिजनेस व्हाटएवर इट इज, सो दिस इंडस्ट्री में आकर आप ये बदलाव आपके अंदर नहीं लाए तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। ये तो जोश का बिजनेस है, सभी समय में जोश, दुखी हो आप, हैप्पी हो, प्रॉब्लम हो आपका, हजारों प्रॉब्लम हो सकता है, वो प्रॉब्लम से आप वहां टीम को प्रॉब्लम के साथ लेकर करें तो वो टीम ही रहेंगे ना? आपका जो पर्सनल कोई प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम होंगे, बेटा बेटी का प्रॉब्लम होंगे, पति पत्नी का प्रॉब्लम होंगे, माँ बाप का प्रॉब्लम है, घर में झगड़ा हो सकता है, सुबह मार्केट जाने के समय, मीटिंग जाने के समय सबको भूल कर नहीं गए तो वो मीटिंग चलेगी, बिजनेस चलेंगे। That's why ये आपका जो कुछ प्रॉब्लम है उसको बिजनेस में डाले तो, इसीलिए हम सिखाता है ये इंडस्ट्री में, फर्स्ट यू बी एक्साइटेड। व्हाट इज बी एक्साइटेड? एवरीबडी मस्ट बी एक्साइटेड। यू आर नॉट एक्साइटेड, दिस इज द बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट है जोश, जोश, जोश। जोश नहीं है तो आप जोश नहीं दिखाए तो, जोश अंदर से आप, आपके अंदर जोश नहीं हो तो वो एग्जिबिट नहीं कर सकते। आप जोश नहीं हो तो अभी चूंकि लोग आएंगे बहुत समस्या के लिए आएंगे, प्रॉब्लम के लिए आएंगे, बहुत कुछ फ्रस्ट्रेट होकर आएंगे, बहुत कुछ छोड़ कर सबको, अभी होता है सब कुछ छोड़े तो नेटवर्क का आना, क्योंकि एवरीवेयर फेल्यूर, जॉब में फेल्यूर, काम नहीं मिलता है, वो पैसा नहीं मिलता है, फेल्यूर ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर, फेल्यूर ऑफ बिजनेस, फेल्यूर ऑफ कम्युनिटी, देन बाद में क्या कहाँ जाना, एमएलएम को। इस तरह का लोग, उस तरह का लोगों को बदलने के लिए, बदलाव लाकर रिजल्ट देने के लिए वहां क्या चाहिए, यू हैव टू, बिकॉज दे आर फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स कम टू नेटवर्क मार्केट, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? कहां भी मौका नहीं है, कहां मौका नहीं हो तो यहां मौका है सोचकर आते हैं, यहां हमने उसको अच्छा मौका नहीं दिया, इसी में क्या है, यहां क्या है, यहां का हम बताते हैं नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिटेक, यू नो, नो कन्वेंशनल बिजनेस प्रॉब्लम, नो एम्प्लॉयज, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, नो ओवर, कुछ भी, नो 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 नो, सब कुछ नो है, कुछ भी नहीं। और क्या लोग सोचते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, हम ऐसे पैसा का भरसा तो कुछ भी नहीं, बिकॉज बताया ना कुछ भी नहीं होना यार, आओ अंदर पैसा भरसा तो। उसके लिए बदलाव लाना है आपके अंदर, वो होता है, कुछ भी नहीं है ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं किया करोड़ों रुपए, विदेश जाकर इनका हृदय, आप ऑफिस रन नहीं करता है ये कंपनी का हृदय, आप तनख्वाह नहीं देते है ये रशि को और सीधी वो कंपनी का हृदय, आप एम्प्लॉय नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है, लाखों रुपए कमाता है, करोड़ों रुपए कमाता है, क्या होना आपको धन, इसीलिए यहां कुछ जो होना है पाने के लिए उसको आप हासिल नहीं करें तो आप सक्सेसफुल नहीं। फर्स्ट थिंग आपके अंदर वो माइंडसेट है ना, जोश, जोश नहीं तो लोग नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, लोग लोग आप दुखी हैं तो लोग आएंगे आपके साथ, कोई आएंगे आपके, कोई भी वो देखना नहीं चाहता, आप रोना कोई देखना नहीं चाहते, नहीं जुड़े, आपका समस्या बताए तो लोग आएंगे, आपका फेल्यूर बताए तो लोग आएंगे, आपका दूसरा 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 इंडस्ट्री में, कंपनी में, जॉब में प्रॉब्लम, वो कुछ कितना प्रॉब्लम आपने फेस किया है लाइफ में वो बताए तो लोग आएंगे, ये लोगों को नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? कुछ चाहिए, लोगों को क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, हमने हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल, हैप्पीनेस लाकर है, पर हैप्पीनेस हेल्थ वेल को ना, बट हैप्पीनेस आप नहीं दिखाई तो लोग नहीं है, यू मस्ट बी हैप्पी, यू मस्ट बी एक्साइटेड। आप कुछ होने के पहले सब कुछ है दिखाना है, ये है इंडस्ट्री, कुछ होने के पहले सब कुछ है,
अमीर बनने के पहले अमीर होना, पैसा कमाने के पहले पैसा, जो आपके साथ अमीर के साथ जो पैसा है उसका माइंडसेट होना। इसीलिए हम बताते हैं आप अच्छा ड्रेस डालकर आओ, सूट पहन कर आओ, कोट डालकर, क्योंकि वो दिखाना है आप अमीर बनने वाला। पैसा कमाने में तो दिखाने से कोई नहीं है, कमाने के पहले दिखाना है तभी लोग जोड़ेंगे। हैज योर बिहेवियर, योर टॉक, योर एक्ट, योर माइंड सेट, एवरीथिंग। एक्ट लाइक ए मिलियनेयर, टॉक लाइक ए मिलियनेयर, वॉक लाइक ए मिलियनेयर, यू नो, टॉक लाइक ए मिलियनेयर, बिहेव लाइक ए मिलियनेयर, एवरीथिंग योर माइंड सेट। यहां आने के बाद में, मेंबर आने के बाद में वो मिलेनियर्स को चेंज करना, जब तक उसका आपका टीम को नया मेंबर को नए बंदर को चेंज नहीं करेंगे, वो सारे एजेंट डायमंड डबल डायमंड ट्रिपल डायमंड कुछ भी नहीं होंगे, वही नहीं। लोगों ने बताया साहब 10 बरस हो गया वही है, इनएक्टिव है, क्यों? बिहेवियरल चेंजेस नहीं है। फर्स्ट थिंग इज बिहेवियर चेंजेस, योर मेंटल चेंजेस, योर चेंजेस इन योर आउटलुक, एटीट्यूड, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अमीर बनने का फर्स्ट सिद्धांत है, फर्स्ट बदलो, बदलो, नहीं बदले तो अमीर नहीं बन। जो अमीर का एटीट्यूड जो कुछ है, वो लोग क्या सोचता है, वो लोग कैसे काम करता है, वो लोग कब सोते हैं, वो लोग कौन सा किताब पढ़ता है, वो सभी हमने प्रैक्टिस करना। ग्रोइंग थिंकिंग, कितना लोग पढ़ा है, नहीं तो पढ़ना नहीं तो आप अमीर नहीं बनेंगे। कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, ये लोग प्रोडक्ट बेचकर बेकार, वन ऑफ द सिस्टम आर मेथड जो क्रिएट वाली है, आप बेचकर अमीर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग, फर्स्ट आपका जो एटीट्यूड है, थिंक एंड ग्रो रिच। हाउ मेनी ऑफ यू रीड? थिंक लाइक यू, एवरी वन ऑफ यू मस्ट रीड। वो बिहेवियर चेंजेस फर्स्ट, यू हैव टू चेंज हाउ टू थिंक लाइक ए रिच पर्सन, नहीं तो अमीर नहीं बनेंगे, गरीबी रहेगी। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चेंज, मेक सर्टेन चेंजेस विद इन यू, देन यू हैव टू टीच दैट टू योर टीम। वो डुप्लीकेट होना टीम, एंड जब तक वो एट द एंड आई विल गिव यू सम ऑफ द बुक्स, एमएलएम बुक्स, जो अभी आज मैंने वो निर्णय किया क्या देना आप लोगों को। मुझे मालूम है आप लोग नहीं पढ़ना है, 1 लाख 2 लाख आने के बाद ही नहीं पढ़ता, इसीलिए वो रुक जाएंगे वहां, मालूम हो गया ना। ये पैसा है, वैल्यू मालूम नहीं है, पैसा है अमीर का सिद्धांत मालूम नहीं है, पैसा है कैसा पैसा मल्टीप्लाई करना मालूम नहीं है, पैसा है उसको कैसा प्रोटेक्ट करना। वेल्थ क्रिएशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, वेल्थ रिटेनिंग इज इंपॉर्टेंट। रिटेनिंग द वेल्थ, हाउ टू रिटेन द वेल्थ, है अमीरों का सिद्धांत, अमीर लोगों का सिद्धांत। इसलिए अमीर लोग कभी भी गरीब नहीं बनता, वो मल्टीप्लाई, उसका नेट एसेट वैल्यू मल्टीप्लाई होते ही रहेंगे। क्यों? वो अंबानी होंगे, बिल गेट होंगे, यू नो, कोई भी बड़ा लोग जो अमीर बना है, टाटा बिरला होंगे, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स नेट एसेट वैल्यू इंक्रीज, बिकॉज दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई, रिटेन, grow and multiply, you have to retain wealth. That's why लोगों ने पैसा कमाने के बाद बर्बाद होते हैं, लोग भाई बहुत कुछ लोग, they are again गरीब बन रहे हैं, अमीर बनकर गरीब बन रहे हैं। इसीलिए एक्चुअली दीज आर ऑल वैल्यूज विच दे टीच इन द मिलियनेयर माइंडसेट। कितना लोग मिलियनेयर माइंडसेट ट्रेनिंग अंडर हो गया है मेरा, बहुत कुछ लोगों ने नहीं हो गया है,
आई रिमेम्बर आई वो दिस आई एक्सक्लूड यू 2 days 3 days ट्रेनिंग आई एम गिविंग मिलियनेयर माइंडसेट ट्रेनिंग. वो मिलियनेयर माइंडसेट ट्रेनिंग में ही आपको हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, हाउ टू रिटेन मनी. मेकिंग मल्टीप्लाइंग रिटेन, मेकिंग मल्टीप्लाइंग रिटेन. वंस यू मेक यू हैव टू हैव द सिस्टम टू मल्टीप्लाई. ये सभी वैल्यूज ऑफ मेकिंग मनी, इट इज नॉट जस्ट मेकिंग मनी. मेकिंग मनी नॉट अ पीपल आर पुअर. व्हाई दे बिकम रिच देन अगेन बिकम पुअर, अगेन रिच अगेन बिकम पुअर. अप एंड डाउन. नेटवर्क मार्केट में यहां से वहां से वहां से वहां कुछ किया, यहां कुछ किया, कुछ कहा. 20 वर्ष के बाद में देखे तो वो अगेन गरीबी के रेखे के बिलो बिलो द पॉवर्टी लाइन. आई हैव सीन मेनी इवन इन DXN those who joined 20 years back, crown diamond then, then went wrong after making 10 lakhs, 15 lakhs per month. मेरा सुन केरला से कम लीडर, महाराष्ट्र से कम लीडर, कर्नाटक से कम लीडर, those raised crown diamond. With 8 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs bonus statement they used to come to my house in Chennai. फॉर काउंसलिंग. क्या करना है, यह पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, क्या हो गया, दे लॉस्ट द वे इन नेटवर्क मार्केटिंग. इतना उसको ये आ गया, यहां अभी 8 लाख 10 लाख आता है. सडनली आई विल बिकम ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, आई विल गेट 50 लाख. दे वेंट बिकम डायरेक्टर देन जीरो वेन इन द कंपनी. Register company, paper company. You can register a private limited company with a few thousand rupees. ROC registration. Could you understand? That is there, name is there in the ROC. Where is the company? Companies? Good guy, no company. What I am saying is, you must know how to retain money, make money, retain money. To be consistent, continuous, rich forever. To build the asset, build the wealth. This is what we are telling. These are all the values which some of the good characters of the network marketeers you have to follow. Today I am not going to teach you the market forecasting, wellness industry data, so many things. I have taught many times. I know that this industry is growing, you all of you know that there is a big opportunity. But how to be a good network marketer? Before that, you just hear how big support we are having by the government. Telangana State Room Government, Shri V. Prakash Rauji is not only an expert on legal issues, but is also an expert in policy making. As policy advisor to our Honorable Chief Minister, V. Prakash Rauji has played a pivotal role in development of the state. I would now like to invite our speakers for the day, Shri V. Prakash Rauji, to share his views with the forum. Sir. He is the chief advisor to the great government of the Bengal. I will speak in your language, then only you will respond. Are you all excited? You have not responded for my great afternoon. So, I feel it is my family. Though I am in the government, I am representing the government as a chairman of the Water Resources Development Corporation, because I understood the pulse of the direct selling. Let me see, with respect to the dignitaries on the dais, the chairperson of IDSA, Srimati Renu Sanyaji, and my friend, vice chairman of IDSA, Radhika, and also general manager, Chetan Bharadwaji. I met last time the Honorable Former Secretary of Consumer Affairs. I hope he was the main person drafting the guidelines and also bringing out. So thanks for that, sir, Hem Pandeji. And my friend and my mentor in direct selling business, because I am a Ekalavya Shishya. After reading your books in the Google, I learned so much from you, sir, Vijay Mishra ji, and
Dr. Professor V.K. And many people in the hall, Pandeji, Rafiji, and also Sirisha, just spoke, we've spoken before you. And many of my friends and the direct selling companies, representatives. So it's a really, this is the right time to take off direct selling industry in the country as well as in the state. This is a great time because after a lot of efforts in the last 20 years, finally our IDSA convinced the government and got the amendments in the Consumer Protection Act. That's a big victory for the direct selling industry. Second thing is, without challenge there is no growth. The essential ingredient of progress and growth is challenge. Why Telangana is going forward in direct selling? Because so many challenges faced on this land by regional government and regional officers. You are well aware about the policy of the, but they don't say about the cure, they will say keep cheating. That will go on continuously until their last breath. So after surgery, to her breast, it has spread to all over the body. No organ is spared now. But still she is surviving only on supplements. Only on supplements. Doctors already raised their hands 1 month ago. They said you will die. But she is surviving. I know what are the supplements she is using. She is getting from abroad also some supplements and getting some supplements from here. But I can say all the supplements which are good to health, she is using only from direct selling industries. Only from IDSA industries. To conclude, because I have taken a lot of time, I wanted to share so many things. So, this government is with you, no doubt, because Chief Minister understood about this direct selling industry and about the quality of the products. And many people here, one good thing is, government is unable to provide jobs to millions of unemployed youth. See, in any country, in any state, only 1% people of that motherland, of that state, can get government jobs. But remaining 99, government cannot pay salaries to them. So already here, 1% is 3.5 lakhs, but we have created 4.5 lakh jobs. And so, in next 10 years, these unemployed youth can get opportunity in any business or any other areas, not in the government or in the private sector, because in private sector also, it can provide only 4 lakhs to 5 lakhs unemployed youth every year. But here, there are 9 to 10 lakhs graduates and unemployed youth joining in the list every year. They cannot get jobs. More than 50% of the educated youth, they are rolling on the roads for searching opportunities. So this is the best time to convince them, to bring them into the direct selling industry for the human health and the well-being of the society. So with these words, I am concluding and thank. So, अभी आप सबको मालूम है, समझ गया? ये तो चीफ एडवाइजर का सीएम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट इकोनॉमिक इसके ऊपर कोई घबरा खाते घर से बेच नहीं जबकि वो 20 बरस के पहले आज 25 बरस के पहले जो डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिव था वही बातें अभी भी अरे 25 बरस हो गया बहुत कुछ बदलाव हो गया है चेंजेस हो गया है हमने देखा था एक बार 1998 में 96 में इतना डर था डायरेक्ट सेलिंग में क्योंकि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट प्रोटेक्टेड दे वर रेगुलेटिंग दे वर इवन इंक्लूडिंग द हेल्थ स्टाफ द नंबर वन चेयरमैन ऑफ द नंबर वन कंपनी इन द वर्ल्ड एज यू नो दैट आई न्यू स्टोरी एवरीबडी नो दिस आर ऑल हैपेंड बिकॉज there were no policy, confusion, corruption, free for all. Give a big hand to the present central government. They are the people
who did really something good to the direct selling industry, which 20 years the government were sleeping, not bothered, even a big brain like Manmohan Singh. I criticize him. I am an economist, he is also a economist. He did not open his mind, and even because all these people, they will not have the guts to bring direct selling act. This is the present, they had the guts. And person from your state, Ram Vilas Paswan, give a big hand to him. Black and white today. That is the reason why every state, the Telangana government is again first one of the first states to pass the direct selling. And CM is very excited about direct selling industry. That's why CM of the Telangana, Chandrasekhar Rao, caught hold of DXN to start the factories in the pit. Do you understand why we are going to make? See, imagine, can you ever imagine 25 years back, the government officials, ministers, government representatives will go and visit a corporate, private, direct selling company's factory premises? Can you imagine? We can never imagine. Today, it is happening. It has happened. Minister of Agriculture, Niranjan Reddy, along with his team, they visited the panel of ministers visiting DXN factory in Agartala. And if you don't like that, you are a fool in network marketing industry, I am telling you. Because we have, whatever the changes have taken place, you have to go vigorously to engage the market. Otherwise, somebody will take it. Which MLM company in India, where the government is inviting it, in any state, you give the subsidized land to start the factory? Tell me, which MLM? No other MLM company except DXN. Then why are not very good? These are our strength, tremendous strength. Now we have seen the chief requester in the government, the CM. What he talking? He is talking like a reporter. He is talking like a direct seller. He is talking about a network leader. He is talking about mentorship, relationship. Are still by seeing all this, we are not. We are in that industry, we are in the field, we are in this sector. Humko wo is tarah ka language, is tarah ka behavior, is tarah ka attitude nahi aata hai, wo government abhi batata hai. Aapko employment rate karne ke liye ek hi rasta hai, government 80% employment karte hai. Lakho logon ne university se, college se, school se, ye unemployed, तो एवरी ईयर जो कमिंग आउट कहाँ से एम्प्लॉय हम 1-5% दे सकता है. रेवेन्यू कहाँ जाना, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे. रिमेनिंग मेजोरिटी कहाँ जाएंगे? ये है, दे हैव टू स्टार्ट देयर ओन लाइवलीहुड, देयर ओन यू नो प्रोफेशनल वर्क, प्राइवेट वर्क, प्राइवेट बिजनेस. एंड व्हाइल दे आर सर्चिंग फॉर लाइवलीहुड, दे आर सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटी. डायरेक्ट सेलिंग में इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, लोग अट्रैक्ट करेंगे. दिस वाई हमने आज डीएक्सएल में आई एम लुकिंग फॉर यंगर जनरेशन, यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ एंड वुमेन, हाउसवाइफ, दे रियली वांट टू मेक. डोंट डिविएट योर फोकस फ्रॉम मेकिंग मनी, यू आर वेस्टिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव ह्यूमन एसेट, आइदर योरसेल्फ as a human being, human resource, or you are wasting the resources of the society. If you are not going to be productive, aap nahi kamaye to you are a waste, you are a dead waste to this industry. Kachda. Kabhi bhi hum usko mal nahi dena, because ye ek baras mein main kyon itna ladta hun, karan kya, kitna logon ko life badal sakta hai industry mein, jo humne aaj हमने लड़ा एक सुनी, बहुत मुश्किल से का दिन को देखा, कितना क्रिटिकल दिन को देखा है हमने. बहुत समय हमने सोचा था, 10-20-15 वर्ष के पहले मैंने डिस्कस भी किया डॉक्टर जिनके दिन के साथ साथ कुछ हो गए तो इंडस्ट्री का दिन में बहुत समय से बहुत एवरी टाइम जैसे प्रोफेसर वन वर्ड वन मान गए. आपको मीनिंग मालूम है, वन वर्ड इसका
सिद्धांत मालूम है, सिद्धांत है हम कहीं भी सर कोई बोल सकता है देख सकते वन वर्ल्ड वन मास्टर टीचर। मैंने सोचा इंडिया में आके हम लोग नेपाल नहीं बांग्लादेश नहीं होम एशिया मार्केट में अभी नहीं मिली डाल दिस कंट्रीज क्लोज है मलेशिया मलेशिया नॉट क्लोज लास्ट 25 इयर्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गोइंग ऑन सिंगापुर इज देयर देयर डायरेक्ट सेलिंग लाभ हासिल 25 वर्ष के पहले यहाँ कोई नहीं तो यूरोप में है अमेरिका में हो कभी भी अमेरिका यूरोप में बंद नहीं बंद हो गए सर 100 ईयर्स में है अफ्रीका में मैं कहीं भी नेटवर्क यहाँ रहकर वहां कहीं भी मार्केट बढ़ा सकता हूँ। अभी देखिए ये लोगों ने मार्केट के बिना प्रोडक्ट के बिना कुछ भी नहीं है जीरो में ये मार्केट बढ़े तो अभी रफीक ने बताया कैरोल कैरोल कपंगा इज वन ऑफ द डायरेक्ट डायमंड्स ऑफ डॉक्टर ईपन कोशिक वो आएंगे डॉक्टर ईपन बियॉन्ड द मॉडर्न मेडिसिन। इसमें आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है इसलिए आधुनिक औषधि शास्त्र के आगे डबल एफ आर सी एस ये नेटवर्क इंडस्ट्री को एम्ब्रेस कर सकता है विद सच अ हाई प्रोफेशनलाइज्ड क्वालिफिकेशन। क्यों है डबल एफ आर सी कितना लोग है उंगली में भी दुनिया में गिनना आपको नहीं मिलता है सच्चे सुपर स्पेशलिस्ट ही कैन बी ए डायरेक्ट फुल टाइम डायरेक्ट डायरेक्टर फुल टाइम एंड ही कैन बी ए क्राउन एमर विदाउट कंपनी ऑफिस विदाउट स्टॉक पॉइंट विदाउट प्रोडक्ट अवेलेबल। फर्स्ट नवंबर इट ओपन नाइजीरिया बिफोर दैट क्राउन एम व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट इज योर प्रॉब्लम योर फुल टाइम यू आर सेलिंग दैट टाइम सब कुछ मांगा हमको ये है डायरेक्टर हमने 10 वर्ष है 20 वर्ष है 15 वर्ष क्या किया है यार सेम अनुभव सब कुछ इफ यू आर नॉट यूज द इंडस्ट्री जीरो टॉलरेंस यू आर नॉट एलिजिबल आर यू आर अनफिट फॉर माई ट्रेनिंग। इतना साबुत को सभी दिखाने के बाद भी हमने ये सभी लोगों को मुलाकात हो गया है डिस्कशन हो गया चीफ सेक्रेटरी ऑफ द आंध्रा गवर्नमेंट आई टॉक टू हिम चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना गवर्नमेंट वन ऑन वन अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे नो द पावर ऑफ यूर अप्लाइंग मेंटरशिप गंदगी को साथ हाथ डाले तो हम कभी भी उसको क्लीन करना नहीं जाएंगे गवर्नमेंट बार। इसमें हमको मालूम है आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है बिहार आपको थोड़ा जानने के बाद बताता हूँ आपको बहुत अच्छा काम किया है मैंने बताता था एक दिन मुझे यू सेल मी यू वॉन्ट टू बी रिच बिकॉज आई एम रिच आई यूज टू से यू सेल मी इफ यू वॉन्ट टू बी रिच Today I am telling you, you have to sell your own state. You want to be here. You sell them. You sell Dhanu Shila, sell Surendra Prasad, available for sale. They are monthly millionaires. Monthly millionaires, hey, give me cash! के ऊपर मंथली मल्टीमिलियन करके ना इसमें क्या जलस नहीं होना उसके ऊपर जलस ही नहीं होना ईगो नहीं होना और बता देना ओ 25 लाख मुझे तुमको गिराऊं ओ नहीं होंगे मैं जिंदा हूं छोड़ेंगे नहीं किसी को सब बढ़ना है सब कमाना है इसीलिए हमने इंडस्ट्री में लगा। इतना अच्छा सिद्धांत को आप लोगों ने उसका एनकैशमेंट करने का इतना अभी आप ये स्पीड कुछ भी नहीं कंफर्ट जोन का आप नहीं जाना जो 400 मिलियन 2800 करोड़ रुपीज पर एनम सैलरी अब देख लेना मैं नाम देता हूं
Ellison, ELLISON, he is the CEO of Oracle. आप नाम देख लेना. अभी माइक्रोसॉफ्ट का सिद्धार्थ सुंदर पिचाई का गूगल के सीईओ पर डे की सैलरी 3.5 करोड़ परसों ही न्यूज थे. आप दो दिन पहले न्यूज थे इन द प्रिंट मीडिया के टुडे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दो दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में. लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1,285 करोड़ थी. To be exact, 1,285.5 crores. मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की. सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ अब देख लेना. वो कौन है? इंडियन है सुंदर पिचाई. मैंने इनको पूछा इनकी एनएलसी की टर्नओवर थी 2.5 करोड़ की. हम दिल्ली में फंक्शन में साथ में मंच पे बैठे थे. मैंने उनको पूछा कि those executives whom you pay more than 10 crores or 25 crores उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या? क्योंकि उनके पास डिग्री तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है. इज अ डबल एमबीए फ्रॉम एलएससी और हार्वर्ड. एकेडमिक्स को पूछना नहीं. इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको. 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ मैनेज किए हैं. हर साल टर्नओवर किया है. ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजिशन में रहे हैं. तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, एचआर में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है. ग्रोथ के बारे में आपकी क्या? पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया. वो हमें नहीं सुनना है. पूछा है आप लोग सब जो यहाँ बैठे हो इंटरव्यू वाले देने आए हो जिनको हम ये तनखा देने वाले सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है. ये कॉमन है. ये हमको नहीं पूछना है. पूछना क्या है? डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट. सिंपल. So, describe the failure in your life. How do you handle it? Same thing. Describe the failure in your life. How did you handle it? You want to be successful. मालूम है ना? अभी आप वो किया, ये किया, उतना किया ना? You want to make money. You want to be rich. You want to be a millionaire. Then you must correct your failure. जब तक आप फेल्यूर को नहीं देखता है, फेल्यूर होना है. फेल्यूर्स आर इनेविटेबल. यू वांट टू बी दिस. फेल्यूर्स आर अनिवार्य. जब तक फेल्यूर नहीं होंगे आप कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होंगे. पहली मतलब हो गया. अरे वो हो गया, ये गया, मैंने नहीं कमाया, मेरा टीम भाग गया, मेरा डायमंड भाग गया. वो होता है, मुझे भी भाग गया. क्या मैं भाग था? बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम द फेल्यूर्स इन दी एक्स. दैट इज द रीजन फ्रॉम वेयर 10 टन 10 टन 10 टन 15 वर्ष खिला नहीं सका. कितना मोटिवेशन, कितना बता, कितना फोन कॉल, कितना डांटना अग्रवाल को. फोन उठाए तो डांटना ही नहीं. इसीलिए बहुत कुछ लोगों ने मुझे नहीं फोन से नहीं छुपाया. जो प्रोफेसर फोन रहे थे वो डांटना दिखना to become a PhD. You observe very clearly.
He is entering Sigma University. I just a college dropout, a failure. And my story tells that those people work very hard to fill again and again. Don't give up. A brilliant, brilliant from China. Hong Kong University. Jack Hong. Real entrepreneur, not only know how to make money, but how to spend money. And we do not live for money, we do not work for money. When you have 1 minute, that is your money. When you have 10 minutes, the problem comes. When you have $100 million, I think that is the money. Not your money. That's the trust. It's the public money. The society. Spend for the society. That they believe you can spend money better. You can use the money better. And real business people make the money by solving the social problems for the others. And now all the challenges, I think the most challenging thing is about education. Even if today the best university of the world will face the same challenges, because everything we teach our kids are the things that you have 200 years, the things you taught them, the machine will do better. So we have to think about what are the best way, what are the contexts to teach our kids. So this is what we think. The world should be focusing on. You have to change. The world is changing. And you have to change. So long as you are not willing to change, you will be there only. Knowledge is perfect. It will be knowledge driven and to visionary driven future growth. Next. Oh my God! Oh my God!
तभी आपका ग्रोथ होंगे, तभी आप मिलेंगे भी। जब तक आपको कुछ करके दिखाने का आज नहीं होंगे, यू आर अनफिट टू दिस इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री इज ए मेंटल इंडस्ट्री, हाथ का इंडस्ट्री नहीं, पांव का इंडस्ट्री नहीं है। हाथ है, पांव है, चल सका है, कुछ भी नहीं करता। क्यों? बिकॉज यहां बदलाव नहीं हो गया। आपको अमीर कौन बनाए बनाएंगे यार? क्या लिम आपको अमीर बना सकता? डिरेक्शन प्रोडक्ट आपको अमीर बना सकता नहीं। आपका मां बाप आपको अमीर नहीं बना सकता। कौन मां बाप के ऊपर कौन है? इतना प्यार है मां बाप, कोई बाप मां बाप नहीं सोचता है मेरा बच्चों ने गरीब रहना, मेरा बच्चों को सफरिंग होना, मेरा बच्चों ने गरीबी से मरना कोई सोचता? वो नहीं अमल कर सकता है। क्यों? अमीर बनने का सिद्धांत आपके साथ ही है। जब तक आप नहीं सोचते इसको सिस्टम को यूज करो, सिस्टम को यूज करे तो आप अमीर बनेंगे, अमीर बन सकता है। नेक्स्ट मगर पहचान छीन लेती है।
जब कहती है दुनिया बस अब हार मान जा, उम्मीद पुकारती है बस एक बात और सही, और आखिरी वाला मेरी तरफ से, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। कितना लोग आता है फ्रीडम दिखा तो उठाओ।
Donald Trump and Robert Kiyosaki,
प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट जनरल।